नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी एक गंभीर इशू है कि भारत में जो छात्र हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं और इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं एक रिपोर्ट आई है खुद ये गवर्नमेंट बोल रही है उनकी जो रिपोर्ट है एन उसमें आर यह बात बोली गई है कि भारत में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आत्महत्या यानी जो सुसाइड के मामले हैं उनमें वृद्धि हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ये वृद्धि हुई है तो आज हम ये जानेंगे कि क्या कारण है ये इतनी ज़्यादा जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है डेथ के अंदर उनके क्या कारण हैं और इन सब चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है बच्चों के ऊपर जैसे प्रेशर बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर लोनलीनेस एक कारण हमारे सामने बन के आ रहा है मतलब एक एक अकेला पेन है पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसके अलावा एक फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अलावा जैसे जॉब ना मिलना है इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले

कि सुसाइड जो हैं भारत के अंदर एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं कोविड नाइन्टीन के बाद तो अब मतलब कि कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक जो था वो दो हज़ार बीस के दौरान बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है और ये जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं पिछले पाँच सालों से अब इसके पीछे रीज़न जो है बहुत सारे दिए गए हैं कोई एक रीज़न नहीं है कि हम कहें कि सिर्फ इस रीज़न से जो बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं जो स्टूडेंट जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं काफ़ी सारे रीज़न हैं अब एक जो पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी इस रिपोर्ट के अंदर या फिर जो ये आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आपको मिलेगा तो जहाँ पर मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा इस आर्टिकल को पढ़ा तो ज़्यादातर इसके अंदर जो बात की गई है आईआईटी आईएम इनके अंदर एडमिशन के लिए जो बच्चे जा रहे हैं तो उनको एडमिशन ना मिलने के कारण या फिर उनकी और भी जो पर्सनल लाइफ है उनके कारण जो वो हत्याएं कर रहे हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं लेकिन इसमें एक और जो रीज़न मुझे लगता है कि वो ऐड कर देना चाहिए था सरकारी ग सरकारी जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं यानी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ क्या बीतती है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब तो वो क्या क्या कदम उठाते हैं इन सब चीज़ों को भी इसमें ऐड कर देना चाहिए था तो लेकिन वो सब चीज़ें इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिल रही हैं क्यार उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आते हैं छा जो छात्र हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड के मामले अभी फिलहाल क्या स्थिति है देखिए एन की जो ये जो डेथ की रिपोर्ट आई है जो सुसाइड इन इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात बोली गई है यहाँ पर खुद ये रिपोर्ट बोलती है कि वर्ष 2020 में 12,526 मौतों मौतें थी और इसमें अब जो इंक्रीमेंट हुआ है फोर पॉइंट की इंक्रीमेंट के साथ दो में हर दिन ऐसा समझिए पैंतीस से अधिक औसत आत्महत्याएं कर रहे हैं छात्र तेरह हजार से भी अधिक छात्रों की मृत्यु हुई है जिसमें दस हजार सात सौ बत्तीस आत्महत्याओं में से ऐसे मामले हैं जो आठ सौ चौंसठ जो परीक्षा में विफलता के कारण हुई है मतलब कि वो जो एग्जाम था उसमें सही से उसको पास नहीं कर पाए जिसके कारण आठ सौ चौंसठ लगभग लगभग नौ सौ बच्चों ने एग्जाम में फेल होने के कारण आत्महत्या कर ली बहुत बड़ा एक फिगर है हम ये नहीं कह सकते कि कोई छोटी बात अरे नौ सौ ही है हम देख रहे हैं यहाँ पर तेरह हजार की बात हो रही थी तेरह हजार में से सिर्फ नौ सौ बच्चों ने जो है आत्महत्या की परीक्षा में फेल होने के कारण और बाकियों ने अलग अलग रीज़न से की लेकिन आप ये देखेंगे ना ये भी बहुत बड़ा रीज़न है सोचिए इनके ऊपर कितना मेंटली प्रेशर होगा कि इन्होंने आत्महत्या जैसे एक ऐसी चीज़ को अपनाया उनके ऊपर मानसिकता पर तब क्या बीत रही होगी उनके सामने कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा उनके हेल्प के लिए कोई नहीं होगा वहाँ पर यह कितनी बड़ी बात हो जाती है एक बच्चे के लिए उस वक्त उसको क्या फील हो रहा होगा सोच के देखिए कोई भी अगर सुसाइड करने जा रहा है तो उस वक्त उसकी मानसिकता क्या रह रही होगी उसने किस कदर अपने आप को अलग हटा लिया होगा या फिर क्या स्थिति उसके ऊपर बीत रही होगी 1995 के बाद देश में सबसे ज़्यादा 2021 में आत्महत्या के कारण सबसे अधिक छात्रों की मृत्यु हुई है जबकि पिछले 25 पच्चीस सालों में आत्महत्या करने वाले छात्रों का आंकड़ा लगभग दो लाख है कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये 2017 में 9905 आत्महत्याओं के कारण मृत्यु हुई थी छात्रों की उसके बाद आत्महत्या से होने वाली छात्रों में बत्तीस पॉइंट एक पाँच की वृद्धि हुई है 2017 से महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रह रहा है एक हज़ार आठ सौ चौंतीस मामले महाराष्ट्र में आए हैं 2021 के अंदर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है तमिलनाडु आता है रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि महिला छात्रों की आत्महत्या का जो प्रतिशत है फोर्टी थ्री पॉइंट फोर नाइन परसेंट पाँच वर्ष के पिछले ये मतलब कि इसमें थोड़ा निचले स्तर पर रहा है और जबकि पुरुष के मामले में हम बात करें तो ये आत्महत्याओं का जो आंकड़ा है फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट रह रहा है इसके अलावा हम बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग 2014-21 में आईआईटी, एनआईटी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अन्य केंद्रीय संस्थानों में 122 छात्रों ने आत्महत्याएँ कर ली और इन 122 में से 68 जो छात्र थे वो एससी कैटेगरी से एसटी से ओबीसी के थे इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के जाने माने जो जो केंद्र उसको माना जाता कोटा राजस्थान में जो है भारत में होने वाली आत्महत्याओं की एक बढ़ती हुई चिंता जनवरी 2023 तक कोटा में 2022 से अब तक 22 छात्रों ने आत्महत्या कर चुके हैं दो में लगभग 121 मौतें हो चुकी हैं तो आप ये सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर इनके ऊपर प्रेशर है ये जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो एक तरीके से मेरी मतलब होता है ना कि अंतरात्मा कांप गई थी कि यार इतनी मात्रा के अंदर बच्चे जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं इतना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है सोचिए इनके ऊपर क्या बीत रही होगी और ये आंकड़ा आपको एन आई इन चीज़ों के लिए मिलेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम बात करें वो तो, तो आंकड़ा ही अलग है उनके ऊपर सोचिए एक बच्चा तैयारी करता है चार चार साल उस तैयारी के लिए पीछे लगा देता है और फिर उसके एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं फिर कहीं कैंसिल कर दिया जाता है आगे एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं तो सोचिए उस बच्चे पे क्या बीत रही है उसने तो तैयारी की अब सोचिए इनका क्या कसूर है कोई कसूर था इनका कोई भी इनका कोई कसूर नहीं था ये तैयारी कर रहे थे ये पढ़ रहे थे चाहे वो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनके ऊपर ऐसा क्या बीता कि इनको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ गई तो ये सरकार को सोचने वाली बात है कि इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाए अब यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं इंक्रीमेंट होने के सोसाइटी के अंदर उसको हम जानते हैं सबसे बड़ा है जो आपके हाँ सामने मिलेगा जो एकेडमिक प्रेशर है माँ बाप टीचर्स और जो समाज है जो एक बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और उस हाई एक्सपेक्टेशन के ऊपर अपने आप को खरा ना उतर पाने के कारण बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है उसे एक दबाव फील होने लग जाता है प्रेशराइज हो जाता है उसके कारण ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती असफल होने का यह दबाव कुछ छात्रों को इतना ज़्यादा भारी पड़ता है कि वो असफलता और निराशा की भावना उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और वो ये कदम उठाने के लिए चल पड़ते हैं तो सोचिए माता पिता हो गए शिक्षक हो गए उनको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए बच्चों की लाइफ में डेफ़िनेटली करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं माँ बाप सपोर्ट करते हैं टीचर्स सपोर्ट्स करते हैं उनके जो दोस्त होते हैं बच्चों के वो सपोर्ट करते हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी है तभी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं फिर हमारे सामने आता मेंटल हेल्थ इशू देखिए मेंटल हेल्थ इशू मतलब कि डिप्रेशन एनजाइटी बाइपोलर डिसऑर्डर साथ ही साथ इस सारी समस्याओं को भी देखना होगा ये स्थितियाँ जो हैं जो ये जितनी भी आपके सामने बोली हैं बाइपोलर डिसऑर्डर होगी चिंता होगी ये जो डिप्रेशन हो गया ये सारी स्थिति जो है वो तनाव अकेलापन समर्थन की कमी से और भी बदतर हो जाती हैं एक तो बच्चा है सोचिए उसको ये सब चीज़ें हैं ही हैं ऊपर से वो अकेला और रहें रहे। उसके साथ कोई बात करने को नहीं है उसकी समस्याएं को सुनने को नहीं है तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा बदतर हो जाती हैं अब यहाँ पर दूसरा तीसरा जो रीज़न दिया गया है आइसोलेशन और लोनलीनेस मतलब कि अपने आप को अकेला कर देना अब सोचिए एक बच्चा तैयारी कर लिए करने के लिए कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं अपने परिवार से दूर अपने दोस्तों से दूर रहते हैं वो उस स्थिति में नहीं है हम का बच्चे को कई बार कंपेयर कर देते हैं अरे फलाने का बच्चा तो रह रहा है ना वहाँ पर तो तुम्हारे अंदर क्या दिक्कत है कि तुम नहीं जा सकते ऐसा कुछ बोल कर उस बच्चे को भेज दिया जाता है लेकिन उसकी अपनी एक मानसिकता है उसको समझने के बजाय उसके ऊपर जोर ज़ोरदबस्ती करके कहीं भेज दिया जाता है और फिर अकेलेपन की भावना को जन्म देता है एक अपरिचित और प्रतिस्पर्धा का जो माहौल वहाँ पर होता है जिसे वो जानता नहीं है कॉम्पिटिटिव एक माहौल वहाँ पर है उस चीज़ को वो झेल नहीं पा रहा है उस परिस्थिति से वो कभी अवगत नहीं हुआ है और वहाँ पर उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं और सोचिए इससे उसके मानसिकता पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फिर यहाँ पर आता है वित्तीय चिंताएँ वैनी फाइनेंशियल कंसर्न बहुत ज़्यादा एक मैं कह सकता हूँ कि बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है वो बहुत सारी चीज़ें ये सब चीज़ें डालती हैं लेकिन ये मैंने ज़्यादातर देखा है कितना फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है बच्चे को ट्यूशन फीस रहने का खर्चा ये कितना ज़्यादा हो जाता है फिर भी फीस कहीं ना कहीं एक हद हाँ तक बच्चा सह लेता है लेकिन रहने का खर्चा हो जाता है कि आप जाते हैं पीजी के अंदर खर्चा देखते हैं खाने पीने का खर्चा देखते हैं पीजी में नहीं रहेंगे तो आप कहीं कर, किसी रूम का खर्चा देखते हैं तो वो कितना ज़्यादा होता है वो सहन करने लायक नहीं होता बच्चों को ये चिंता सताने लगती है कि माँ बाप पैसा कहाँ से लाएंगे उनके अंदर तनाव चिंता पैदा हो जाती है इससे इसी निराशा हताशा की भावना पैदा हो जाती है फिर एक रीज़न आता है हमारे सामने साइबर बुलिंग साइबर बुलिंग बोले तो ऑनलाइन जो आप देखते हैं कि हरासमेंट होती है बच्चों के साथ उनको बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं उत्पीड़न साइबर स्टॉकिंग उनके पास होती है साइबर जो सोशल मीडिया माध्यम से उनको डराना धमकाना कौन धमकाता है कौन करता है ये तो देखिए आपस में जो इश्यूज होते हैं या फिर वो कहीं ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं इसके अलावा जो एक सब्सटेंस अब्यूज़ है काफ़ी सारे बच्चे अपने जो डिप्रेशन है उसको कम करने के लिए कहीं और कहीं और चीज़ को अपने मतलब ध्यान आकर्षित करते हैं उसमें जाता है सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स होती हैं या फिर जो अल्कोहल होती हैं उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है अब उनके ऊपर उन, जैसे उनका ध्यान जाएगा तो सोचिए इससे उनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बदतर हो जाती हैं उसके अलावा कानूनी समस्याएँ और उत्पन्न हो जाती हैं जो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लग जाती हैं एक ये रीज़न निकल के आता है फिर एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप प्रॉब्लम जैसे कि एक लड़का एक लड़की ऑब्वियसली एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आती है उसके अलावा जो दोस्त हैं आपस में उनके अंदर प्रॉब्लम आती है या फिर परिवार के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है ये सब चीज़ें इनके सामने जो आत्महत्याओं के अंदर योगदान देने वाले फैक्टर हैं इन समस्याओं से निपटना उन छात्रों के लिए विशेष रूप से कठिन होता है जो घर से दूर रह रहे होते हैं और जो कम ऐसा कम समर्थ होते हैं हम किसी बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि तुम ये क्यों नहीं सह सकते जबकि वो फलाना बच्चा सह रहा है भाई हर बच्चा सेम नहीं होता है भगवान ने अपने हाथ में पाँच उंगलियां सेम भी नहीं दी हैं तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते यहाँ पर समर्थन की कमी ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लैक ऑफ सपोर्ट हमें जो बच्चे को देखने को मिलते हैं जो शिक्षण संस्थानों में कई छात्र कठिनाइयों का सामना करते समय सहायता लेने से संकोच करते हैं यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों अपमान न्याय से डर न्याय के डर के कारण जो हो जाते हैं समर्थन की इस कमी से निराश और हताशा की भावना पैदा हो जाती है अब क्या-क्या चीजें की जा सकती हैं सुसाइड को दूर करने के लिए देखिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये फैक्टर्स हैं कुछ कर सकते हैं लेकिन हमें इनके ऊपर रूट यानी बिल्कुल डीपली इस पर काम करना होगा आपके आसपास अगर ऐसा कोई है तो आप डेफिनेटली उससे बात करिए उसके दोस्त बनिए शायद आप किसी के आइडल बन सकते हो आइडल भी नहीं बन सकते हो। शायद आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो कुछ काम करने के लिए आपकी वजह से किसी बच्चे की भी जान बच सकती है डेफिनेटली वो चीज़ करिए उनके मिलिए उनसे बताइए मैंने भी बहुत सारी अपनी लाइफ में कठिनाइयाँ देखी हुई और उन कठिनाइयों से निकल कर भी कुछ एग्ज़ाम पास किए और उस बिहाव पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार लाइफ जब आगे आप चलेंगे तो लाइफ आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है ऐसा नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी गई तो उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी डेफिनेटली आएगी तो अब यहाँ पर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तो इम्प्रूवड मेंटल हेल्थ सर्विस देखिए छात्रों को मेंटल हेल्थ सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए साइकेट्रिक हेल्प उनको प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो आत्महत्या को रोकने में उनकी मदद कर सके इसके अलावा स्कूल हो गए विश्वविद्यालय हो गए यहाँ पर भी मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में शिक्षकों कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षित यानी उनको एजुकेट किया जाना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को आत्मसात करना देखिए मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के बारे में खुली चर्चा के माध्यम से ही मानसिक स्वास्थ्य और मदद मांगने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि आप अगर बात करेंगे नहीं कि भाई एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा लाया जाए कैसे बच्चे को मोटिवेट किया जाए अगर वो सब चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे बच्चा खुल सामने आएगा ये सब चीज़ों पर बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं एक फोकस होना चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए केवल पढ़ाई ही नहीं पढ़ाई के अलावा और भी अलग एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर बच्चे को लाना चाहिए मतलब इन सब चीज़ों से ही एक हेल्प मिलती है बच्चे के अंदर कि हाँ इस चीज़ के अंदर और अच्छा कर सकता हूँ एक वहाँ पर आप देखिए कोई बच्चा अगर गेम खेलता है ना एक पढ़ रहा है पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग खराब हो गया कुछ टाइम उससे मतलब कुछ टाइम से हो ही नहीं रहा अब वो खेलने जाता है खेलने में एक अलग ही उसके हार्मोन काम करते हैं एक एक्टिविटी होती है उसके अंदर जिससे अगर वो जीतता है तो वहाँ पर उसको लगता है कि यार हाँ अब मैं जाकर पढ़ाई करता हूँ तो डेफिनेटली ये सब चीज़ काम करती है अब इतना मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन ये सब चीज़ें मैंने खुद करके देखी हैं कि जब मैं पढ़ पढ़ कर काफ़ी ज़्यादा थक जाता था मैं खेल कर आता था तो एक बहुत ही फ्रेश मेरा माइंड हुआ होता था मैं पढ़ने में अच्छा लगता था मुझे मैं बोर फील नहीं कर रहा था एकदम दिमाग जो वो शांत हो चुका था कोई भी बुरा ख्याल उस वक्त नहीं आ रहा था ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए इसके अलावा देखिए ये मैंने जैसे बोला ना हाँ इन्होंने वही पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ये सब चीज़ें होनी चाहिए इसके अलावा सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना यानी जो सोशल इकोनॉमिक इशू हैं उनके बारे में बात करना छात्रों के समग्र कल्याण में सुधार और तनाव चिंता और डिप्रेशन को कम करने हेतु गरीबी बेघर और बेरोजगारी जैसे सामाजिक इशूज़ हैं उनको संबोधित यानी उनके बारे में बात की जानी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में बच्चे को लगे कि हाँ यहाँ पर ये बातें हो रही हैं इनके बारे में क्या क्या गवर्नमेंट बात कर मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या पॉलिसीज लाना चाह रही है और वो इनके बारे में क्या सोचती है अब जो एक कठोर साइबर बुलिंग नीति है यानी जो पॉलिसी वो लानी चाहिए ये मैंने आप लोगों के बारे में एक आई आई रूल जो है वो अभी हाल ही में अमेंडमेंट किए गए हैं उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सुधार की गई हैं लेकिन बावजूद उसके और भी चीज़ें सख्त की जानी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा इससे हैरान होकर मतलब या परेशान होकर कोई गलत कदम ना उठा ले अब इसके अलावा क्या करना चाहिए जो भी ये एक सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम है देखिए कुछ चीज़ें जो बच्चा ऐसी कर लेता है कि उसको नहीं करनी चाहिए थी फॉर एग्जाम्पल उन्हें उसने एल्कोहल या ड्रग वो लेनी शुरू कर दिया तो उसको कम करने के लिए कॉलेज के अंदर स्कूल्स के अंदर इसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए कि जो नशे के आदि लोगों की सहायता प्रदान करना ड्रग्स की ड्रग्स और शराब की उपलब्धता को कम करना ये सब चीज़ें अगर की जाएंगी तो डेफ़िनेटली बच्चा इसकी तरफ नहीं जाएगा एक यहाँ पर एक बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप आनी चाहिए अब यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में है इतनी तो देखो मेरे को नॉलेज नहीं है कि रिलेशनशिप के बारे में कैसा होना चाहिए या एक लड़का एक लड़की दोस्त कैसे हैं देखिए आप उसके साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करे आप उसके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे कभी भी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद मत करिए या रहिए मत मैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करता दूँ मैं ये कहता भी हूँ आप उस इंसान का साथ बेशक भले ही छोड़ दीजिए जो आपको डीमोटिवेट कर रहा हो और जो बोल रहा है कि ये काम हो ही नहीं सकता आप डेफिनेटली उससे दूर हो जाइए क्योंकि वो आपको और ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर ही डालेगा इस चीज़ को ध्यान रखिए और जो मुझे सबसे बढ़िया एक चीज़ लगी वो है परिवार का सहयोग देखिए माँ बाप परिवार जो है वो एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं उनकी लाइफ में देखिए एक बच्चे का जो एक प्रथम गुरु होता है ना वो उसकी माँ ही होती है वो अपनी माँ से बहुत कनेक्ट होते हैं उससे बात अगर होती है तो एक बच्चे के अंदर एक दिलासा आती है एक एक साहस आता है कि यार मेरे सामने जो प्रॉब्लम है इसको मैं पार कर जाऊंगा अगर पार भी नहीं करता हूं तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा इस प्रॉब्लम को अगर नहीं पार करते कोई बड़ी बात नहीं मेहनत करेंगे फिर कभी और कर लेंगे कोई इसमें बात नहीं होती इतना ही कह देना था बच्चे को कितना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं तो ये सब चीज़ें की जानी चाहिए और खासकर ये वाली चीज़ तो इसको तो मैं बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी देता हूँ जैसे माँ बाप का एक समर्थन होता है ना वास्तव में वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा और भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत होगी ये परिवार का अगर समर्थन होता है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अब हम बात करते हैं कि आत्महत्याओं को कम करने है तो अब तक क्या क्या पहले हो चुके हैं मतलब इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ले चुके हैं अगर मैं वैश्विक यानी ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करूँ तो यहाँ पर आता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो हर वर्ष दस सितंबर को मनाया जाता है डब्लू की जो स्थापना है 2003 को डब्लू के साथ मिलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई थी ये ध्यान रखना है डेट आपको ध्यान रखनी है किसने की थी कहाँ की थी ये जो स्टिग्मा को कम करता है और संगठनों सरकारों और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाता है साथ ही साथ यह संदेश देता है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है डब्ल्यू एस पी डी के लिए कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना एक त्रिवैशीय विषय है यानी एक समझिए एक थीम है ये।, ये एक थीम है इनकी ये थीम यहाँ पर क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन ये एक इनकी एक थीम है इसको आपको ध्यान रखना है फिर हमारे सामने आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे दस अक्टूबर को देखिए दस सितंबर को ये आता है आपके सामने डब्ल्यू एस पी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे फिर उसके एक महीने बाद वर्ल्ड मेंटल हेल्थ भी आता है इसको भी आपको ध्यान रखना है विश्व जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम है ये भी आपको ध्यान रखना है मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रियोरिटी ये आपको ध्यान में रखना है इसकी जो थीम है वो क्या रही है इसके अलावा भारतीय पहल की अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 दो एम एच ए दो हज़ार सत्रह का उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना एक हमारे द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो शुरू की गई है वो किरण यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता तनाव डिप्रेशन आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से परेशान लोगों की सहायता के लिए ट्वेंटी फोर टोल फ्री हेल्पलाइन किरण शुरू कर रखी है एक हमारे सामने आती है मनोदर्पण पहल यानी कि दर्पण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है ध्यान रखना किसने शुरू की थी इसका उद्देश्य छात्रों परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को कोविड नाइन्टीन के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है ये सब चीज़ें ध्यान रखना कोविड नाइन्टीन के दौरान ये सब चीज़ें शुरू की गई थी ये मनोदर्पण पहल होगी फिर इसके अलावा आता है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी जो है देखिए दो तेईस में घोषित राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति देश की अपनी एक नई तरह की पहली योजना है ये जो 2030 तक आत्महत्या यानी जो सुसाइड जो रेट है उसको 10 परसेंट तक कम करना इसका एक उद्देश्य है इसके जो उद्देश्य हैं और क्या क्या है ये देखिए ये जो स्ट्रेटजी है वो एक तरीके से मोटे तौर पर अगले तीन साल के अंदर आत्महत्या के लिए जो प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना है जो मतलब जिससे जो है बच्चे सुसाइड करते हैं उनके ऊपर ये ध्यान रखेंगे किस कारण कर रहे हैं मनोरोग बाहर रोगी विभाग स्थापित करना यानी कि साइकेट्रिक पेशेंट डिपार्टमेंट ये जो है इसका निर्माण करना अगले पाँच सालों के अंदर सभी जिलों के अंदर मतलब सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवा प्रदान करेगा इसका उद्देश्य आने वाले अगले आठ साल के भीतर सभी शैक्षणिक स्थानों के अंदर एक क्यूरिकुलम यानी एक नया सब्जेक्ट हम कह सकते हैं यानी कि एक एजुकेशन इसमें मानसिक विकास पाठ्यक्रम यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर मेंटल वेलबींग वेलबींगिकुलम जो है इसको स्टार्ट करवाना है अगले आने वाले आठ सालों के अंदर और इसके अलावा ये आत्महत्या संबंधित मामलों की जिम्मेदारी मीडिया रिपोर्टिंग आत्महत्या के साधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करना इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर दिशा निर्देशित को विकसित करने की परिकल्पना करता है तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आया होगा साथ ही साथ इसको समझने के अलावा बच्चा जो है वो बात भी नहीं कर रहा है किसी से वो अकेला है अगर फैमिली तक उसकी पहुंच नहीं है तो डेफ़िनेटली उसकी फैमिली तक पहुंच करवाई जाए इजी वे करवाया जाए संसाधन उसको उपलब्ध कराए जाए ताकि अपने माँ बाप से वो सही से बात कर सके और बच्चे को भी ऐसा करना चाहिए अपने दिल की बात अपने माँ बाप से कि वो करे और माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना पड़ेगा अपने बच्चे के प्रति देखिए इनका कोई कसूर नहीं होता है ये सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं आप ये देखेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं कोई टेररिस्ट नहीं है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई थी इन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया था इनके साथ इतना गलत हो गया है और ये कहीं ना कहीं इनके अंदर ऐसा विचार आना डेफिनेटली ये बाहरी तौर पर ही तो है किसने डाले होंगे ये विचार समाज ने यहाँ के समाज ने उनके ऊपर प्रेशराइज किया कि देखो तुम अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा माता पिता मैं मानता हूँ माता पिता कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं चाहेंगे लेकिन अनचाहे तो वो ना जाने मतलब उनके साथ उनका ध्यान नहीं होता है या फिर कुछ ऐसा बात वो बोल देते हैं बच्चे को जिससे वो डिप्रेस हो जाता है और बच्चा भी उस वक्त किसी से बात नहीं करता है तो माँ बाप को समझना चाहिए कि इससे सही से बात की जाए तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा समझ आया तो कैसे मुझे बता सकते हैं डेफिनेटली लाइक करके वीडियो को और इसके अलावा इसकी पीडीएफ जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं कुछ ज़्यादा ही पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो